हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग पे, एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मज़े में होंगे। तो गाइस, ये मेरा न्यू ब्लॉग है, ठीक है। और ये ब्लॉग गाइस मेरी दुलारी के लिए, ये यस। तो गाइस, इस ब्लॉग में मेरी अपनी दुलारी से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। तो गाइस, ठीक है, मेरी दुलारी के कब की है, ठीक है, मैं हमारे पास बुक कब आई, ठीक है, और मेरे पास कैसे आई, और ठीक है, और किस कंडीशन में है, ठीक है, वो आप लोगों को सबको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस, उससे पहले मैं सबसे पहले आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, ठीक है। तो गाइस, जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपना फीडबैक देते जाना, और भी ज़्यादा अच्छी लगे तो कमेंट में आपका प्यारा सा कमेंट करते जाना, ठीक है, जो भी आपके मन में। और आप लोगों यह बताना कि मैं वीडियो इस टाइप से और बनाऊं, ठीक है। तो गाइस, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि दुलारी और कोई नहीं है, दुलारी मेरी गाड़ी का नाम है, ठीक है, जो मेरे को बहुत साथ देती है। और ये गाड़ी, मैं सबसे पहले आप शुरुआत करता हूँ, ये गाड़ी किसके पास थी। तो गाइस, हमारे पापा जी हैं ना, पापा जी के तीन भैया और हैं, पापा जी को मिला के इन लोग चार भाई होते हैं, ठीक है। पापा जी के पास कोई गाड़ी नहीं थी, पापा जी पहले साइकिल से चलते थे, तो हम लोग भी साइकिल से चलते थे, ठीक है। और ये करीब 2016 की बात है, जब हमारे दो चाचा, पापा और उनसे छोटे चाचा और उनसे एक और छोटे चाचा, इन तीन लोगों की शादी हो चुकी थी, बचे छोटे चाचा जी। तो गाइस, उस समय में छोटे चाचा जी की शादी नहीं होती, उस समय में चाचा जी ने शायद क्या दिमाग लगाया, तो इस गाड़ी के लिए उन लोगों ने चर्चा किए थे, ठीक है। बाकी गाइस, हमारे यहाँ पर कोई गाड़ी चलाने की, मतलब गाड़ी लेने की, क्या बोल सकते हैं, गाड़ी ख़रीदने का मतलब उतना खासा वो नहीं होता था हमारे पास, तो हम लोग नहीं खरीदते थे। लेकिन उस समय में तो चाचा जी और छोटे चाचा जी और मैं, ठीक है, और जो हमारे पापा जी, जो छोटे वाले चाचा जी है ना, वो हमारे साथ नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं सरेखा में, ठीक है। और उनसे छोटे चाचा जी और उनसे छोटे चाचा जी, दो चाचा जी, ठीक है, उन लोग यहाँ पर थे। उन लोग के अच्छी खासी पट्टी भी है मेरी, ठीक है, बात आदमी मस्त होती है। और गाइस, उन लोगों के साथ प्लान बना, तो उन लोगों के साथ हम लोग 2016 में ये गाड़ी ख़रीद के लेके आ गए थे, ठीक है। उस समय करीब पड़ी थी ये 18,000 करीब की पड़ी गई थी, ठीक है। तो गाइस, इस गाड़ी उस समय से फिर लेके आ गए, तो फिर एक दो साल, काफ़ी साल चाचा जी ने, दोनों चाचा जी ने हम लोगों ने चलाए, लेकिन बट पापा जी नहीं चलाते थे। पापा जी वो किसी का मतलब सामान यूज़ करने बहुत ज़्यादा डरते थे कि किसी की चीज़ ख़राब ना हो जाए, इसलिए वो उन लोग, पापा मेरे, अपनी साइकिल थी उनकी, तो वो साइकिल ही चलते थे, तो हम लोग चलाते थे। तो बट गाइस, फिर धीरे धीरे हमारे छोटे चाचा जी की शादी हो गई, फिर शादी हुई चाचा जी की, तो उन लोगों ने एक नई गाड़ी ले लिए, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे जो उनसे बड़े जो चाचा हैं ना, कबाड़ा का काम करते हैं, उन्होंने मेरे को सिखाए, तो उनके पास भी धीरे से गाड़ी आ गई। अब गाइस, बची एक खाली गाड़ी, ठीक है, खाली गाड़ी बची थी, तो फिर मैंने, और चाचा जी ने खुद बोल दिया कि उस समय इसमें करंट नहीं आ रहा था, तो इसको बनवा ले और तू ही चलाना करके। तो उस समय से ये गाड़ी मेरे पास से है, ठीक है, मतलब ये गाड़ी अभी चभी आई, जब पापा जी की डेथ हो चुकी थी ना, उसके बाद आई ये गाड़ी, ठीक है, और अभी तो ये मेरे पास है। लेकिन गाइस, ये पुरानी भी हो जैसी भी हो, लेकिन मेरे लिए जान से बढ़कर है, क्योंकि ये गाइस अर्जेंट भी, अर्जेंट में ना जो गाड़ी अपने को लगती है ना, वो ये साथ बहुत दे देती है, क्योंकि आजकल का ऐसा ज़माना है, किसी कब क्या हो जाए और कब अपने को गाड़ी की ज़रूरत लगने लगे कहाँ जाने के लिए, तो गाइस ये गाड़ी अपने को साथ दे देती है, ठीक है, कहीं भी हो, केवलारी से मदारी आ जाना मेरा हो जाता है, आप देखते ही होगे मेरे ब्लॉग्स में, मेरा मतलब सुबह चले जाता हूँ, कोई भी काम हो, कोई भी भैया भी हो, छोटे भैया भी यूज़ कर सकता है, कभी मार्केट जाने के लिए कुछ भी हो, मतलब अब ऐसा हो जाए कि ये सहारा बन चुकी है अपना, ठीक है। और गाइस, साइकिल का तो, साइकिल चलाने में किसी को मज़ा भी नहीं आता, मेरा छोटा भाई भी नहीं चलाता साइकिल, शर्म आने लगती है, आजकल ज़माने ही चेंज होते जा रहा है, क्या कर सकते हो। तो गाइस, ये गाड़ी अभी आई है फ़िलहाल, तो अभी मैंने मस्त इसको बनवाया हूँ, ठीक है, अभी भी बहुत पैसा लगना बाकी, लेकिन अभी मेरे पास नहीं हो पा रहे, तो अभी मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस करवाया हूँ, अभी थोड़ी गाड़ी ठीक चल रही है, बाकी इसमें अभी बहुत कुछ चेंज करवाना है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो मेरी दुलारी अभी मेरे पास है, ठीक है। और गाइस, अब आप लोगों से हमारी दुलारी से इंट्रोड्यूस
कराते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। तो दुलारी अपनी गाड़ी है, ठीक है गाइस, तो चलो। तो गाइस ये रही अपनी दुलारी, ठीक है गाइस। देखो अभी गाइस यहाँ पर ना घर के सामने ना, देखो घर के सामने यहाँ पर अभी कीचड़ है। अभी तो खैर बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई तो सूख चुका है, लेकिन यहाँ पर जो कीचड़ है ना गाइस, उस वहाँ से निकालना पड़ता है। यहाँ भी रोड नहीं बनी अभी, ठीक है। तो उसके वजह से ना गाइस यहाँ पर देखो गाड़ी की क्या हालत हो चुकी है। यहाँ पर बहुत कीचड़ लग जाता है, मतलब देखो। इसलिए मैं अभी गाइस इसको धुलवा भी नहीं रहा हूँ ना धुल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना सामने कीचड़ रहता है यार, लाना ले जाना होता है, इसलिए मैं अभी धुलता नहीं। बाकी गाइस मैं झमाझम रखता हूँ गाड़ी को। और फिलहाल गाइस मैंने अभी अपनी दुलारी पे मस्त सीट डलवा दिया, बिल्कुल अपना घोड़ा, ये देखो घोड़ा है, ये घोड़ा अपना, ठीक है। तो ये रही अपनी गाड़ी गाइस, देखो मस्त है यार। सामने का भी यहाँ पर ये टूट चुका है, बट इसको भी चेंज करवाना है, मड गार्ड भी चेंज करवाना है। बहुत से ऐसा काम है कि अभी इस गाड़ी में अपने को करवाना है। फिलहाल तो ये मस्त चलती है अभी, ठीक है। आप देख ही सकते हो 2016 खरीदी गाइस, अभी क्या चल रहा है 2023, मतलब 17 18 19 20, 7 5 4 5 6 7 साल की हो गई गाइस, सोच सकते हो, ठीक है। 7 साल की फिर भी काफ़ी साथ देती है अपनी गाड़ी ना। और इस साइड से देखो, और गाइस यहाँ पर जो ना पीछे का टायर भी ख़त्म हो चुका है, तो इसको भी चेंज करवाना है, और सामने का भी, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल में मैंने कुछ नहीं करवाया, क्योंकि अभी उतना बजट नहीं है अपने पास, तो मैंने अभी कुछ नहीं करवाया, ठीक है। बाकी ये गाड़ी, और गाइस यहाँ पर एक ढपरा था, बट यहाँ पर क्या एक बार जो गाड़ी गिर गई थी ना, उसकी वजह से यहाँ का ढपरा जो टूट गया था, तो अब ये खुली पड़ी है, ठीक है। सब जुगाड़ उगाड़ करना पड़ेगा इसका। तो गाइस ये रही मेरी दुलारी, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यह ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरी प्यारी सी दुलारी के लिए इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और कमेंट में अपना प्यार भरा कमेंट करते हैं ना कि इस तरह की और वीडियो या ब्लॉग्स या कुछ न्यू चीज़ें आए जो मैं दिखाऊं मेरे घर में, ठीक है। तो गाइस कमेंट करना, और गाइस यह ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक से या कमेंट ठोक डालो। बस इस ब्लॉग के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम, मस्त रहना, मज़े में रहना, बाय।